Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Hitman 3. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कैसी लेडी को मारना, जिसने दुनिया को बता रखा था कि वो मर चुकी है, बट रियलिटी में वो जिंदा थी. काफी ज्यादा बड़ी हवेली में रहती थी अच्छी खासी सिक्योरिटी के साथ, बट एजेंट 47 ने वहां पर जाकर उसका काम तमाम कर दिया. और गाइस, आज का वाला जो मिशन है और भी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आप लोग को याद होगा जब हम लोग वाला मिशन करके वहां से निकले थे तो हमें कॉल आया था मिस्टर ग्रे, जो कि अपना बचपन का दोस्त है, जो कि हमारा हर कॉन्ट्रैक्ट में साथ देता है, तो उसके ऊपर ना कोई फायर कर रहा था. तो देखते हैं आगे आखिरकार हुआ क्या. तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल एजेंट 47 स्वैट की ड्रेस पहनकर एक जंगल में आ चुका है. ओके, अभी मिस्टर ग्रे से ही हमारी बात चल रही है, हमें ओलिविया को ढूंढना है. भाई काफी घना जंगल है. तो गाइस, ये एजेंट 47 उधर से फायर हुआ है, ठीक है. और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं, जो डायना है ना गाइस, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट देती थी, इसके साथ भी कुछ मतलब गलत सीन हुआ है. आईसीए के जो बंदे, उन्हें पता चल चुका है सब कौन करवाता, और वो आईसीए वाले यहाँ पर आज पहुंच भी गए. लास्ट एपिसोड में इन्होंने बस कॉल करके डराया था, और आज इन्होंने डायना को भी पकड़ लिया और मिस्टर ग्रे को भी मार दिया है. ओ भाई भाई, इसकी गोली पड़ चुकी है. अपना खेल खत्म होता जा रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है. How about now? ओ तेरी. ओके, एक और बुलेट पड़ गई है इसके, बट अब ये जिंदा. ये अपना गाइस एजेंट 47 है, अभी चाहे तो बचा सकता है, बट बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से घेर रखा है वो, देखो पीछे. ओके, ये जान मुझ के करेगा गाइस. ये एजेंट 47 ने अपनी गन ना उसको जान मुझ के दी है, क्योंकि ये लोग ना उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे. और अभी ये जो बंदा है ना गाइस, ये आईसीए का बंदा है, इसने डायना को पकड़ लिया है. एंड 47 नेवर मिसेस हिज मार्क. ओके, तो ये कह रही 47, दैट्स व्हाट मेक्स यू वैल्यूएबल. यू आर डिल्यूजनल. यू थिंक आई वुड बिट्रे 47? ट्रस्ट मी, यू ओ हिम नथिंग. ये क्या है? I told you we could help each other, and I meant it. ये तो कॉन्ट्रैक्ट था. I look forward to your call. 47 कॉन्ट्रैक्ट टू असासिनेट डायनास पेरेंट्स. तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि जो डायना है ना, इसके जो पेरेंट्स थे उनको भी एजेंट 47 ने मारा था, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उस आईसी के बंदे ने आके डायना को दिखा दिया. तो ये तो कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो चुका है. अपना ये जो दोस्त है बचपन का मिस्टर ग्रे, ये भी मारा जा चुका है, और डायना को भी उन्होंने पकड़ लिया, जो हमें मेन कॉन्ट्रैक्ट देती थी, हमें लीड करती थी. और अभी तो फिलहाल वो उल्टा हमारी अपोजिट होने वाली है, क्योंकि अभी जब उसे पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स को इसी ने मारा है. तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल एजेंट 47 जर्मनी के बर्लिन शहर में आ चुका है, और अभी ना हम लोग किसी बहुत ही ज्यादा सुनसान रोड पर है, और मेरे को पता नहीं क्यों रेजिडेंट एविल वाली वाइब आ रही है. भाई कुछ ज्यादा ही हॉरर सा सीन हो रखा है इधर. इस रोड पे एक भी गाड़ी आ जा नहीं रही. ओके, तो हम शायद से यहाँ पर बस के थ्रू आए, इसीलिए हम लोग बस स्टॉप पर खड़े हुए थे. पीछे वाली साइड पर तो कुछ भी नहीं है, तो अभी फिलहाल सीधा चलते हैं. वहां पर मेरे को एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, और अभी हमें ना सबसे पहले ओलिविया को फोन करना है, ठीक है. तो यार, अपना फोन फटाफट से ओलिविया को कॉल करते हैं, और ओलिविया से मिलने के लिए हमें मिस्टर ग्रे ने कहा था, और उसका फ़ोन यहाँ पर लग नहीं रहा है गाइस. पता नहीं क्या सीन है, कैसे ढूंढेंगे उसको हम लोग, मुझे नहीं मालूम. फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा सामने की तरफ में. भाई ये कुछ ज़्यादा खतरनाक सा रोड नहीं है, यहाँ पर एक भी गाड़ी वाड़ी भी आ जा नहीं रही, और एक अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे हॉरर गेम में आती है. ये थोड़ी हॉरर सी पता नहीं क्यों होते जा रही है. सामने एक टेलीफोन है, इसके थ्रू मैं कॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं यार, शायद से ये वाला टेलीफोन तो बंद पड़ा हुआ है भाई, इससे भी कॉल नहीं हो पाएगी. ओके, ये पेट्रोल पंप का भी हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर सकते. और अभी ना मेरे पास काफ़ी सारी जो स्पेशल, ओके एक सेकेंड, यहाँ पर ये फाउंटेन व्यू से हम गाइस थोड़ा सा सोडा वोडा पी लेते हैं. भाई भूत वूत ना टपक जाए, बस वही रह रहा है इस गेम में, कहना बाकी तो सब है इस गेम में. ओके, मैं इसे उठा लेता हूँ पहले, सोडा कैन पियेंगे नहीं, अपने काम आएगा बाद में, मतलब कि बंदे को डिस्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए. काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है, अंदर की तरफ में चलते हैं. ये कोई रेस्टोरेंट है यार शायद से. हाँ ये रेस्टोरेंट है, मेरे को लग ही रहा था, मतलब पेट्रोल पंप में इस टाइप का कुछ होता है. बट यार अभी तक ना मेरे को कोई भी काम की चीज़ या कोई इंटेल नहीं मिला है. मेरे को करना क्या है, कहाँ पर जाना है ओलिविया को ढूंढने के लिए? इस घर के अंदर है क्या वो? पता नहीं क्या सीन है. पीछे की तरफ में गाड़ी है, गाड़ी के अंदर देखता हूँ एक बारी, क्या पता कोई हो. एक सेकेंड. ओके, तो गाड़ी के अंदर भी कोई नहीं है, गाड़ी खाली पड़ी है. यार मैं यहाँ क्या टाइम पास कर रहा हूँ यार, मतलब ये जगह इतनी ज़्यादा अजीब सी क्यों है? पूरा जंगल ही जंगल यहाँ पर बना पड़ा है.
नहीं भाई मेरे को जंगल में नहीं जाना, पता लगा शेर वेर यहाँ पर आ जाए और गलत ही सीन हो जाए। और अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सुबह हो रही है, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर मून है इसलिए थोड़ी सी लाइटनिंग आ रही है। बाकी तो यार यहाँ पर ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। फिलहाल सामने की तरफ में एक गाड़ी खड़ी हुई है और ये गाड़ी स्टार्ट है, तो अगर गाड़ी स्टार्ट है तो यानी इसी के अंदर बंदा भी होना चाहिए। ओके तो गाड़ी में तो कोई भी नहीं है, पूरी गाड़ी ऐसी बीच रोड में यहाँ पर आकर खड़ी क्यों हो रखी है। ओ भाई सामने की तरफ में एक रास्ता गया हुआ है यार, अभी जल्दी से आगे चलते हैं। वहाँ पर एक सेकेंड, ये कोई बंदा गिरा पड़ा है और उसके हाथ में टॉर्च है, ये क्या हो रखा है। हेलो, ओ भाई साहब इसके किसी ने देखो पेट में चाकू मार रखा है और इसको मार दिया। पहले तो चाकू ले लेता हूँ, अपने काम आएगा, बट ये है कौन मैं कैसे पता करूँगा। और भाई ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है, इतने ज़्यादा डेंजरस सी क्यों हो रही है भाई ये गेम। अभी तक तो दुबई वुबई जा रहे थे भाई, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, बट अभी ये थोड़ा हॉरर हॉरर सी क्यों होते जा रही है। ऐसे जंगल में आ गए हैं, जैसे लग रहा है मैं अभी सामने से ना जॉम्बीज आने वाले हैं, पूरी ऐसी वाइब आ रही है। ओके हाँ भाई सच्ची में पूरी जॉम्बीज गेम वाली वाइब आ रही है। यहाँ पर एक टावर है, टावर के अंदर तो वैसे मेरे जाने का कोई मतलब है नहीं और मैं अंदर जाऊँगा अभी नहीं। यहाँ पर ना एक बार सामने की तरफ में चलते हैं, यहाँ एक रास्ता गया हुआ है बट मेरे को रास्ता सब ओके। कॉल आया, कॉल आया, ओलिविया का क्या। ओ भाई how many तो गाइस I'm asset in a whole pack of up and comers, they've infiltrated the club searching for us. Christ, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No, they found us once, they'll find us again. तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे को ओलिविया का कॉल आया और वो कह रही कि ना तुम यहाँ से जल्दी से वापस चले जाओ। जो ICA वाले हैं ना उन्होंने ओलिविया को भी ढूंढ लिया है और एक बंदा तो उस तक पहुंच गया था लेकिन ओलिविया ने उसको मार दिया है। और ये जो बिल्डिंग है ना इसी यहीं कहीं पर ओलिविया है। भाई इतने जंगलों के बीच में क्या बना रखा है मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। यहीं कहीं पर ओलिविया भी है, हमें उसके पास जाकर ना उसे गाइस ढूंढना। और सामने से कोई आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है, एक सेकेंड भाई। एलिमिनेट द ICA एजेंट्स, ओके ये ICA एजेंट ही है शायद। गाइस ये ICA एजेंट है, मुझे इसे मार देना चाहिए, रुक जाओ। बट अभी नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगी। एजेंट प्राइस इसका नाम है, पता नहीं ये ब्लूटूथ पे बात करता हुआ जा रहा है अपने बाकी एजेंट से। ये चिल्ला विल्ला देगा तो यार उनको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है, रुक जाओ गाइस इसको ढेर करना पड़ेगा। हमें जितने भी ICA एजेंट्स हैं ना उनको यहाँ पर मारना पड़ेगा। एक को तो मैंने डाउन कर दिया है, फटाफट से गाइस इसकी बॉडी ठिकाने लगाते हैं। पहले तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा गलत ही सीन है। अच्छा यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है कितने ICA एजेंट्स हैं, वो देखो ऊपर लिखकर आना एलिमिनेट ICA एजेंट्स। एक को हमने मार दिया है, हमें पता नहीं है यहाँ पर कितने हैं। तो जितने भी ICA एजेंट्स हैं ना हमें एक एक करके सबको मारना है। फिलहाल यहाँ पर अपना चाकू, इसकी गन और मैंने सब कुछ सामान उठा लिया, ये अपने काम आएगा। इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं पर ओलिविया शायद से छुप के बैठी हुई है। ओ मेरे को उनके ब्लूटूथ की आवाज़ आ रही है। Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. गलत सीन है भाई। Report back to me if there's anything. भाई फंस चुके हैं गाइस हम लोग। ICA के जो बंदे थे उन्होंने मिस्टर ग्रे को भी मार दिया, मतलब अपनी फोर्स के थ्रू। अब डायना को भी पकड़ लिया है, ओलिविया तक भी पहुंच चुके हैं, हम बस बचे हुए हैं। ओलिविया को भी हमें बचाना है। फिलहाल यहां पर इसी क्लब के अंदर हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा। सारे ICA एजेंट्स यहीं पर आए हुए हैं ओलिविया को पकड़ने के लिए, तो मैं अंदर चलता हूँ फटाफट से। वैसे मेरे को हेलो सर मैं जा सकता, अरे सर इम्पोर्टेंट है यार मैं ICA एजेंट से मिलने। सॉरी यार ये अंदर नहीं जाने देंगे, शिट यार मेरे को कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने का। और ये क्या क्लब है क्या कोई, हाँ ये क्लब है गाइस, ये लाइटनिंग से भी, हाँ भाई ये बहुत तगड़ा कोई क्लब है। इतनी भीड़ लगी हुई, इतने सारे कपल्स यहाँ पर आ रखे हैं भाई। चलो कोई नहीं यार, ये तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, बट हमें टाइम पास नहीं करना, हमें अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। और ये सारे के सारे रास्ते यार इधर तो पूरा का पूरा बंद है। ऊपर की तरफ में सीढ़ी है बट मैं यहाँ से चढ़कर भी तो नहीं कहीं से जा पाऊँगा। पीछे की तरफ में ना कैसे एक रास्ता, इतनी लंबी लाइन लगी है भाई जैसे फ्री का लंगर बट रहा हो अंदर। भाई खतरनाक यार, बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है इधर अंदर जाने के लिए पार्टी में। यहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा है, इसके थ्रू मुझे शायद से कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है, बट मेरे को नहीं लग रहा है ये हेल्प करेगा मेरे को। सर आगे जाना है, जा कुछ नहीं कह रहा, आगे जा सकता हूँ भाई। ये मेरे को डर सा लग रहा है भाई अकेले जाने में उधर, मतलब ना ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बी वोम्बी या फिर कोई एनिमल ना आ जाए खतरनाक सा। लिविंग मिशन एरिया, अच्छा उधर कोई काम नहीं है, वो फालतू है। ठीक है अभी यहाँ पर जाने कोई फ़ायदा नहीं है। ओके तो यहाँ पर एक शवल पड़ी है, शवल ले लेते हैं, क्या पता आगे चलकर अपने काम आ जाए। इसको मारने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। उस तरफ में एक चीज़ और पड़ी हुई है, ये क्या है। ओके तो ये ब्रिक है, मेरे हिसाब से ना शवल से बेटर तो ब्रिक रहेगा। और ये इधर एक रेडियो टावर की, ओके तो हमें एक रेडियो टावर की मिल गई है। ये वाला गेट का है क्या,
नहीं, रेडियो टावर कहाँ पर है? रेडियो टावर भाई पता नहीं कहाँ है। फिलहाल गए सामने की तरफ में चलते हैं एक बारी। यार ये ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे हाथ में ना शवल बिल्कुल अच्छी लग नहीं रही। मतलब मैं यहाँ पर पार्टी में आया हूँ और मैं शवल लेकर घूमूंगा, कितना अजीब लगेगा यार। ओके तो यहाँ से एक रास्ता है अंदर जाने का। रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अबे यार सर इम्पोर्टेंट है, मैं टॉयलेट कर आ रहा हूँ साइड में, ठीक है? सॉरी सॉरी, मेरे को नहीं जाने देंगे आ रहे अंदर। भाई भाई कह रहे इतना जंगल पड़ा है, आवाज़ कर लो या नहीं करना। ओके यहाँ पर ये स्प्रे है, स्प्रे कैन, ठीक है। यार मैं अंदर कहाँ से जाऊँगा, उधर से वो जाने नहीं दे रहा मेरे को। ड्रेस से ही होगी, मतलब ड्रेस से भी नहीं यार, वो एक्सेस देंगे तभी मैं जा पाऊँगा। और बाकी यहाँ पर ओ एक सेकंड, इधर वॉल थोड़ी छोटी है। ओ वाओ गाइस अमेजिंग, मैं इधर से जंप कर आगे आ चुका हूँ। अब मैं ट्रेसपासिंग कर रहा हूँ, मतलब कि हमें थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा। मतलब अगर कोई हमें देख लेगा तो सीधी सी बात है वो हमें पकड़ेगा आके और गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे इन सबसे बच कर यहाँ से आगे निकलना है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा बैक साइड से इस क्लब के अंदर जाने का। आवाज़ देख रहे हो कैसे आ रही है, शायद आपको नहीं फील हो रही होगी, और मैंने हेडफोन्स जिन्होंने हेडफोन लगा रखे हैं उनको फील हो रही होगी, बहुत तगड़ा बेस आ रहा है अंदर से। ओ शिट शिट शिट, ये कौन लोग हैं? ये यहाँ पर शायद कोई क्रू मेंबर है, ये भी हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। ओके तो हमें इन सबसे ना थोड़ा बहुत सोच समझ के रहना पड़ेगा। तो गाइस देखो अभी ना बेसिकली हमें करना क्या है, इस क्लब के अंदर ना काफ़ी सारे ICA एजेंट्स हैं जो कि ओलिविया को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमें उन ICA एजेंट्स को ढूंढ के ना सबको मारना है। पता नहीं कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है। वैसे एक तो नहीं है, एक मैं मार चुका हूँ, अभी और भी काफ़ी सारे हैं, हमें उन सबको मारना है। सर्च द कंपाउंड एंड लोकेट ICA एजेंट्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा और आया, ये भी ICA एजेंट ही है क्या? मेरे को लग रहा है ये, पता नहीं क्यों जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना ब्लूटूथ पे, थोड़ा बहुत मेरे को शक जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वो वाला बंदा भी ब्लूटूथ पे ही बात कर रहा था। और अगर ICA एजेंट ओके गाइस देखो इसके ऊपर रेड मार्कर आ गया, एजेंट थेम्स इसका नाम है। और गाइस ये भी एक ICA एजेंट ही है, तो हमें इसको टपकाना है। और इसको कैसे टपकाऊंगा भाई मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। यहाँ पर कुछ चीज़ है। ओके ये क्या है, इंसर्ट फ्यूज सेल, इसके अंदर हमें फ्यूज सेल लगाना है। और ओ ओ ओ ओके तो शायद से ना ये कोई टावर है जिसके थ्रू गाइस वो जो आप देख पा रहे हो ना, ये पता नहीं कुछ यहाँ पर एक सेकंड वो बैठना पड़ेगा, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई है और वो शायद से मेरे पास आने वाली है। नहीं 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 सब नॉर्मल है, उसको लग रहा था पहले यहाँ पर कोई बंदा, लग नहीं रहा था, उसने सही देखा था बट सही टाइम पर हम लोग क्राउच हो गए। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगा ना इस टावर के ऊपर, तो शायद से ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो यहाँ पर लटका हुआ है, इसको हम लोग नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। और जब ICA एजेंट यहाँ पर आकर खड़ा होगा, वो उसके सर पर गिरेगी तो वो मर जाएगा। बट फ्यूज सेल मुझे कहाँ पर मिलेगा मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ढूंढ कर देखता हूँ, क्या पता मेरे को फ्यूज सेल इधर आसपास मिल जाए। नहीं यार अपनी इतनी अच्छी भी किस्मत नहीं। ओ शिट शिट शिट, नहीं 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 भाई 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 वो यहीं आ रहा है यार, अच्छा हुआ उसने मेरे को देखा नहीं, मैं सही जगह पर आकर बैठ गया। ओ भाई इतना क्लोज मत आ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल देखो ये वाला जो ICA एजेंट है ना इधर से निकल कर जा चुका है सीधा सामने की तरफ में। मैं यहाँ पर ना थोड़ा बहुत तो और ढूंढ कर देख लेता हूँ, क्या पता मेरे को फ्यूज सेल यहीं कहीं पर आसपास मिल जाए। अगर मिल गया ना तो सच्ची में भाई मजा आ जाएगा, हम लोग सीधा उस टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे और ऊपर से जाकर ना सीधा उसके सर पे वो जो आप देख पा रहे थे ना गोल वाला, उसको ड्रॉप कर देंगे। भाई क्या किस्मत है, फ्यूज सेल मेरे को मिल गया और ये बंदा भी मेरे को देख लेता, इसने उतना फोकस नहीं करा और सही टाइम पर मैं फ्यूज सेल उठाकर इस तरफ में आ गया हूँ। भाई छुप छुप के चलना पड़ेगा, ये बंदे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से ही होते जा रहे हैं। ओके वो अच्छा खासा बातों में मस्त मगन हो रखा है। इसके अंदर जल्दी से हम लोग फ्यूज सेल लगाते हैं, देन इसको स्टार्ट करते हैं। ओ स्टार्ट हो चुका है और किसी बंदे उसी बंदे को कहीं शक भी हो गया मेरे को, पहले ना ऊपर चढ़ना पड़ेगा जल्दी से क्योंकि वो यहाँ पर आ रहा है ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ की लाइट कैसे जल गई। ओके प्लीज़ ज़्यादा शक मत करियो, और वो आ रहा है। नहीं 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 वो नीचे ही आके खड़ा हो गया। ओ भाई 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 ये तो सही टाइम है क्योंकि वो जस्ट एकदम नीचे ही खड़ा हुआ है उसके, इसको लीव करना है ना। वो हटियो मत वहाँ से, वो हट गया। वो देखो जा रहा है, मेरे को अभी जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो गलत सीन हो जाएगा। एक काम करता हूँ, जो क्रोबार है ना इसको मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ, शायद से वो देखने आएगा कि क्या गिरा है। ओके थोड़ा सा पीछे की तरफ गिर गया, वो अगर आगे गिरता ना तो बढ़िया रहता। तो गैस देखो अभी ना फिलहाल वो वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहाँ पर क्रोबार गिरा था। मैं जल्दी से ना गैस इसको रिलीज कर देता हूँ और सीधा इसका सर पे गिरने वाला है। लेट्स गो 3, 2, 1 और ये बजा पटाखा, वो देखो ऊपर की तरफ में वो सीधा मर चुका है। भाई क्या ही खतरनाक तरीके से मैंने इसको मारा है, जाते समय अपना क्रोबार भी वहाँ से उठा लूँगा। अभी जल्दी से गया बेटा एजेंट टाइम्स। ओके हमारे कान में ना गाइस इन्हीं एजेंट्स का ब्लूटूथ लगा हुआ है, आपने देखा होगा जिस बंदे को मैंने पहले मारा था ना उसका ब्लूटूथ मैंने उठाकर लगा लिया था।
इनकी हालत खराब हो चुकी है कि अपने एजेंट्स एक एक करके कैसे मारे जा रहे हैं, पर इनको पता नहीं है ये सब जो है एजेंट 47 कर रहा है। ओ भाई सब ये देख रहा है, भले ही मैं ग्रास में हूँ फिर भी अपने वेपन्स मेरे को निकाल लेने चाहिए, मेरे पास पिस्टल है और चाकू है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मुझे ये चीज तो पता चल चुकी है कि ये जो ICA एजेंट है ना इस जगह पर किसी भी ड्रेस में घूम रहा है, कोई सिक्योरिटी की ड्रेस में घूम रहा है, कोई नॉर्मल बंदे की ड्रेस में घूम रहा है, और अभी हमें उन्हें पहचानना है और उनको मारना है। दो तो मैंने मार दिए हैं, और अभी ना फिलहाल इस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ब्लूटूथ पे कमांड देके बता दिया कि यहाँ पर एक और मतलब ICA एजेंट की बॉडी मिली है, और अभी फिलहाल इसने उसको बॉडी कवर में पैक कर दिया है, और अभी ना इसके मत्थे पे हम लोग ईंट बजाने वाले हैं। अबे नहीं 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 यार, ये उसकी बॉडी को पीछे की साइड में लेकर जा रहा है, मुझे लग रहा था इस साइड पर ले जाएगा ना, तो जैसे ही जाएगा बीच रास्ते में ईंट बजा देंगे, किसी को क्या पता चल रहा है घास में से किसने मारा। फिलहाल यहाँ पर रास्ता एकदम क्लियर है, तो क्यों ना रोड क्रॉस कर दें। सामने वाले बंदों का भी ध्यान उस तरफ था और इसका ध्यान भी पीछे की तरफ में ही है, और अभी फिलहाल मैं भाग कर यहाँ पर आ चुका हूँ, और यार अभी भी मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पर दो दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक को मारूंगा तो दूसरे को पता चल जाएगा। लेकिन गाइज यही सही मौका है, वो उसको लेकर सीधा अंदर की तरफ में चला गया है। भाई ये बस एक सेकंड गाइज, इसको ना मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ इस स्प्रे कैन के थ्रू और जाता हूँ सामने की तरफ में। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे कैन फेंका, उसका ध्यान सीधा उस तरफ में गया है। चल 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 बेटा जल्दी से निकल, अपनी गन नहीं अपने हाथ में चाकू रखना है ताकि कोई भी मारे। अबे यार नहीं नहीं नहीं, कमांड दिया इसने कि यहाँ पर कुछ गिरा है। अबे चेक तो कर कर आप पागल भाई, क्या बंदा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट निकल लो निकल लो। भाई नहीं देखा नहीं देखा, ओ भाई क्या पागल बना दिया इसको मैंने, सिगरेट पीने में फुल मस्त था। और वो जो बंदा है ना वो उसको इस वाले रूम के अंदर लेकर गया शायद से, वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है तो मुझे भी उसी रूम के अंदर जाना है, बट उससे पहले कैमरा मैं फोड़ देता हूँ, ये पीछे वाला बंदा ना आया। ठीक है यार इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये बाद में गड़बड़ कर सकता है, लेकिन नहीं यार मुझे कम से कम, ओ तेरी भैंस की, चुप यहाँ से। भाई इसने मेरे को देख लिया था सही टाइम पर, अभी फिलहाल मैंने इसको तो मार डाला, इसकी बॉडी ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये बंदा उसकी बॉडी को पता नहीं अंदर कहां पर रखकर आया सीधा मेरे को देखने के लिए। भाई क्या बढ़िया कार खड़ी हुई यार इतनी सही सी। ओके यहां पर एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं उसकी बॉडी डालता हूं, और पीछे यहां बेसमेंट में भी एक रास्ता है, बट ये रास्ता लॉक है तो मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊंगा। फिलहाल इसकी बॉडी को इसके अंदर हम लोग डंप करते हैं, एंड अंदर जाने का क्या है ये? अच्छा ये लोडिंग एरिया है, तो मेरा अंदर जाने कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मेन पार्टी में जाना है, वहीं पर बाकी ICA एजेंट्स हैं। तो ये वाला गेट, ये गेट लॉक्ड है, और ये भी लोडिंग एरिया है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। इस वाले गेट के अंदर चलते हैं, मेरे हिसाब से बस यहाँ पर अब कोई होयो ना। ओके तो ये देखो गाइस, यहाँ पर उसने उसकी बॉडी ला कर रख दी है, तो अभी फिलहाल हमने गेट ही वाला बंद कर दिया है। जल्दी से हम लोग ना गाइस इस जगह के अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार यहाँ की पार्टी में क्या चल रहा है। अभी ना फिलहाल बिना चेकिंग के अपनी यहाँ पर एंट्रेंस हो चुकी है, अपने पास गन्स वगैरह सब कुछ है और एक बढ़िया सी ड्रेस भी है, अभी किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। और ये क्या जगह है? ओके तो ओह भाई ये यहाँ का वॉशरूम है भाई, क्या ही हाल बना रखा है, ये वॉशरूम में बैठ के टैटू कौन करता है भाई? ये देख रहे हो भाई सब कैसे कैसे यहाँ पर बढ़िया तरीके से टेक्स्ट लिखा पड़ा है, खतरनाक। और फिलहाल यहाँ पर कितने सारे बंदों की लाइन लगी पड़ी है, हर जगह बस लाइन ही लगी पड़ी है, पीछे बाहर अंदर आने के लिए लाइन है, अभी यहाँ वॉशरूम जाने के लिए लाइन है, भाई साहब क्या ही गलत सीन। और ये देखो यहाँ पर तो इन भाई साहब का वॉशरूम चल भी रहा है, और फिलहाल यहाँ पर एक पाइप है, इसको तोड़कर हम लोग ले लेते हैं, अपने काम आएगी ये बाद में। और यहाँ पर एजेंट 47 को आप देख लो। यार मेरे को जाना किधर है? सारे के सारे गेट ना लॉक्ड है, तो मुझे पहले ना कुछ कुछ कीज लेनी पड़ेगी ताकि अपनी एंट्रेंस वगैरह हो पाए। ओके तो रस्ते भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहीं कहीं पर नीचे पार्टी चल रही है, मेरे को बीट्स सुनाई दे रही है, बच्चे से नहीं सुनाई दे रही, पता नहीं क्या ही सीन है। फिलहाल आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है भाई। सच्ची में यार काफ़ी गलत वाइब आती है भाई 813 से। ओके मुझे ना गाइस अभी इस पूरे के पूरे क्लब में ना घूमकर बस उन ICA एजेंट्स को ढूंढना है, और सामने से गाइस एक बंदा आ रहा है और उसके ऊपर डॉट बनी हुई है, तो हो सकता है यही ICA एजेंट हो। हम लोग छुप छुप करना है, इसकी बातें सुनते हैं, अगर ये ब्लूटूथ पे किसी को कमांड देगा। ओ भाई लो इसने ब्लूटूथ पे कमांड दे भी दी किसी को, ये ICA एजेंट है, हमें इसको भी मारना है। पता नहीं कितने ICA एजेंट यहाँ पर होंगे, दो को मैं मार चुका हूँ, तीसरा हमें मिल चुका है, इसको भी ढेर करना है, बट अंदर भाई इन लोग को मारना। और एक और दिखा, वो देखो ये भी शायद से ICA एजेंट है, बट अभी हम लोग 100% श्योर नहीं है क्योंकि अभी तक इसने किसी को ब्लूटूथ पे कमांड नहीं दिया है। इसके हरकतों से लग रहा है कि ICA एजेंट हो सकता है, बट वो देखो उसके ऊपर रेड रेड मार्कर आ गया ना, यानी कि ये तो भाई सच्ची में, और वो यहीं आ रहा है। ओह ये भी एजेंट है, दूसरा भी हमें मिल गया। ठीक है ये सारे के सारे बस 47 को ही ढूंढने में लगे पड़े, अभी 47 तुम्हारे 47 बजाएगा सीधा, AK-47 मेरा मतलब। ओके तो ये वाला जो एजेंट है ना गाइस, इसको तो हम लोग लपेटेंगे मस्त तरीके से। बेचारा देख रहे हो भाई कैसे ड्रेस में घूम रहा है, लग रहा है ये कहीं से एजेंट, ऐसे लग रहा है कोई लफंगा बच्चा घूम रहा है बीच मार्केट में। वैसे मार्केट तो है ही नहीं है, पता नहीं क्या बना रखा है,
पार्टी के शायद बैक साइड में खाने पीने का इन्होंने बना रखा है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे को दो एजेंट्स मिल चुके हैं, एजेंट डेवनपॉट एंड एजेंट स्वैन। फिलहाल एजेंट डेवनपॉट तो पीछे की तरफ में है, उसको मारना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो क्लब के बीच में घूम रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा भीड़ है। बट एजेंट स्वैन ये थोड़ा चूर है ना, बेचारा सिगरेट पीने के लिए आ रखा है यहाँ पर। भाई साहब ये तो गंदी तरह मेरे से मरने वाला है। और सर आप ना थोड़ी प्रॉब्लम मत देना। हाँ अच्छी करा आपने, अच्छा करा, बिल्कुल अच्छा करा, बेचारा यहाँ से चला गया। वरना क्योंकि मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि उस बंदे को ना यहीं पर लाते हैं, यहीं पर उसको मार के उसका खेल खत्म करते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल यहाँ पर से ना गाइस मेरे को पॉइजन मिल चुका है, अगर वो कुछ ड्रिंक वगैरह पीता होगा ना तो इसी पॉइजन से उसका खेल खत्म करेंगे। और पागल है फिर आ गया, अभी मर मुरा जाएगा मेरे हाथों से। तू भी सिगरेट पीता होगा भाई साहब, क्या ही धूम्रपान करने में लगे हैं। गाइस बहुत गलत चीज़ है, आप लोग को इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। फिलहाल मेरे को अच्छा वो देखो वो बंदा वहाँ पर गया है, इसको मारना भी यार मुश्किल है क्योंकि मेरे को लग रहा था ना बैक साइड पर कोई होगा नहीं, काफ़ी सारे बंदे लेकिन यहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है तो कोई नहीं, इसको लपेटेंगे बट थोड़ा सोच समझ के, पहले मेरे को देखना पड़ेगा, एक बढ़िया सा एरिया ढूंढेंगे जहाँ पर हम लोग इसको ईजिली मार सकते हैं। और वो एरिया मेरे को मिलने वाला है, अपनी गन नहीं अपना नाइफ अपने हाथ में लेता हूँ। और नहीं गाइज मुश्किल है, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सारे के सारे मेरे ऊपर शक करने में लगे पड़े हैं। इसको कहाँ से मारूँ मैं, यहाँ पर कहीं ऊपर जाने का रास्ता अगर मेरे को मिल जाए ना तो शायद से इसको मारना थोड़ा ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक है यहाँ पर। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मुझे एजेंट स्वान तक पहुँचने का, आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ पर मिल चुका है। पीछे की तरफ से ना गाइस एक शॉर्टकट सा रास्ता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर जाने वाला है, बट हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है इस रास्ते के थ्रू मैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच सकता हूँ। पहुँच सकता नहीं हूँ गाइस, मैं उसके क्लोज पहुँच चुका हूँ, बट बैड लक वो यहाँ से निकल गया है जो कि अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है। तो कोई नहीं, घूम फिर आकर वो आएगा तो यहाँ पर, क्योंकि उसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है तो उसका काम यही है बार बार इधर घूम घूम कर इस एरिया की चेकिंग करते रहना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो घूम फिर आकर यहाँ पर वापस आएगा और उसको मैं मार कर यहाँ से निकल लूँगा। बट उससे पहले ना गाइस मुझे यहाँ पर जो नॉर्मल बंदे बैठे हुए हैं ना इनको मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये बाद में प्रॉब्लम करेंगे। ओके तो अभी इन्होंने कमांड दिया है उस पर, मतलब कि ब्लूटूथ पे, कि कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पर, कोई बंदा अभी तक हमें नहीं दिखा है। फिलहाल इस बंदे को ना मुझे मारना पड़ेगा ताकि मैं इसकी बॉडी यहाँ से साइड हटाऊँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर वापस आए, मैं उसको मारूं और अगर उसने इसको देख, मतलब इसने अगर उसे मरते हुए देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फिलहाल के लिए जल्दी से ना हम लोग अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। वो जैसे ही इस जगह पर आएगा पीछे से उसके सर पर हथियार मारकर उसकी बॉडी ठिकाने लगाकर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है उसकी बॉडी ठिकाने लगाना। ओके काफी सारा सामान है, उसको हम लोग अंदर भी बुला सकते हैं भाई। कुछ वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो धीरे धीरे यहाँ पर क्लोज आ रहा है। ओके तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल पूरे के पूरे 4 मिनट तक वेट करने के बाद एजेंट स्वैन अपनी ड्यूटी पर राउंड लगाता लगाता यहाँ पर पहुंच चुका है। और अभी ना फिलहाल वो सामने की तरफ में आकर खड़ा हो चुका है। एक काम करता हूँ गाइस, इधर ना मैं थोड़ा सा साउंड करता हूँ और शायद से अगर उसको आवाज आएगी तो वो यहाँ पर अंदर आएगा। और जैसे ही वो अंदर आएगा ना गाइस मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा, बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं ना गाइस पहले यहाँ पर छुप जाता हूँ, रुक जाओ यहाँ छुपूंगा। वो आ रहा है अंदर, वो आ रहा है अंदर, आ रहा है, रुक जाओ। उसने पैन देखा, मुझे ना गाइस एक साउंड और करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा ना और अंदर आए और गेट क्लोज हो जाए। तो ये देखो मैंने उस तरफ में एक और साउंड कर दिया है। जल्दी से अंदर आओ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, बहुत गंदी तरह मैं मारूंगा इसको एजेंट स्वैन को। तो रुक जाओ रेंच निकाल लें, रेंच नहीं गाइस मेरे पास एक सिलेंडर था ना। ओके पता नहीं वो सिलेंडर, अच्छा मैंने यहाँ, भाई मैंने गलती से इधर ड्रॉप कर दिया था क्या, मेरे को पता ही नहीं चला। हेलो एजेंट स्वैन कैसे हो, चल तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। अभी एजेंट स्वैन के मत्थे पे एक गोली तो बजेगी। एजेंट बनेगा आईसी एजेंट, भाई साहब नॉर्मल कपड़े पहनकर घूम रहा है यहाँ पर। ओके फिलहाल काफी सारी मेरे को यहाँ पर चीजें मिल चुकी है, रेंच चाहिए मेरे को, गन चाहिए, एंड ये भी उठा लेते हैं। और फटाफट से गाइस इसकी बॉडी भी हम लोग ड्रैग करके डाल देते हैं अंदर। चलो बेटा भाई बहुत गंदा मारा है इसका तो। अभी गाइस एक एजेंट मेरे को और पता है कहाँ पर है, देखो वो घूम रहा है। और अभी मेरे को पता नहीं कितने और एजेंट यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे, जितने भी एजेंट्स है ना सबको मारना, गन अंदर रख लेता हूँ क्योंकि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ओ यहाँ के बंदे मेरे पे शक कर रहे हैं भाई, यहाँ से नहीं जाऊँगा शायद से, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब ये मेरे लिए नहीं है, स्टाफ के बंदों के लिए होगा, इसलिए मैं यहाँ से नॉर्मली नहीं जाऊँगा। अपने हाथ में ना पिस्टल भी नहीं रख सकता, पिस्टल रखता हूँ बट अंदर कर लेता हूँ। पिस्टल इसलिए रखी है ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आए मैं सीधा निकाल के मत्थे में मार दूँ, सप्रेस्ड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी जल्दी चलते हैं हम लोग सीधा अपने दूसरे टारगेट पर, उसको भी ख़त्म करते हैं। और फिर उसके बाद पता नहीं मेरे को और अभी और भी एजेंट्स ढूंढने हैं यार मेरे को, दिक्कत की बात ये है वो यहीं कहीं पर घूम रहा है, उसकी ड्यूटी अंदर कॉरिडोर के, वो देखो वो रहा सामने, इसको लपेटना है बट कैसे वो मुझे नहीं मालूम। He's anticipating every move we make. He might be listening in.
There's no other explanation for it. Go silent, we can't risk it. तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक नॉर्मल गेस्ट की तरह मैं खड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि जो एजेंट है ना, जो अपना टारगेट है, वो अपने एकदम सामने आकर खड़ा हुआ है और वो भी यहाँ पर एक कॉफी पीने में मस्त हो रखा है। और अभी दिक्कत की बात तो ये है कि जो लेडी इन सब आईसी एजेंट्स को कमांड दे रही है ना, उसको हमारे पास शक हो रहा है कि जो एजेंट 47 है वो शायद से हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि उसको हमारी एक हर एक मूव के बारे में पता चलते जा रहा है। और एजेंट 47 तेरे को यहाँ मैंने खड़े होने के लिए बोला, उसे पीने के लिए नहीं बोला, पता चला अभी खुद ही लेटा पड़ा है यहाँ पर। तो अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये जो इसका कॉफी का ग्लास है इसके अंदर अगर हम लोग पॉइजन मिला दें, बट इम्पॉसिबल है, इसके अंदर पॉइजन मिलाएंगे तो ये से पिएगा तो मर जाएगा, बट पॉइजन मिलाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे खड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा तेज हैं, इनको देख लिया ना अगर इन्होंने मेरे को पॉइजन मिलाते हुए तो पूरे में शोर मचा देंगे, ये बंदा जहर मिला रहा है इस कॉफ़ी में, इसको पकड़ो, और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड मेरे को मारने आ जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है। अभी मेरे को ना एक बढ़िया सा मौका ढूंढना है। वैसे देखो इस बंदे को ना मैं यहाँ से मार सकता हूँ, ऊपर ना कुछ हैंग हो रखा है यार, मतलब लाइट्स ना हैंग हो रखी है, उसको उन लाइट्स को मैं इसके ऊपर गिरा के मार सकता हूँ, बट उसको गिराने के लिए मेरे को उसके ऊपर फायर करना पड़ेगा। फायर करूँगा तो आपको पता ही है यार, इतने क्राउड बहुत ज़्यादा है इस बंदे की जहाँ पर ड्यूटी लगी है ना, यहाँ सच्ची में बहुत ज़्यादा ही क्राउड है। इस पाइप के ऊपर मैं क्लाइम कर नहीं, पाइप के ऊपर क्लाइम नहीं, मैं इस वाटर को खोल सकता हूँ, वाटर लीवर है वो, बट इम्पॉसिबल है उसे खोलना। एक मस्त आइडिया आया, बहुत सही आइडिया आया, वो अंदर ना शायद से टॉयलेट में गया, उसको टॉयलेट आ रहेगा, ओ ओ वापस आ रहा है वो, हेलो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, रुक जाओ, ये जगह मस्त है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा ना, ओ ट्रेस पासिंग कैसे हो रहा है, रुक जाओ, हाँ यहाँ खड़े होता हूँ, एंड एक ना मैं साउंड करने के लिए ना कुछ निकाल दिया, हाँ कॉइन से अच्छा खासा साउंड होता है, वो यहाँ पर वापस आ रहा है। ट्रेस पासिंग से मेरे को डर लग रहा है, बस वो जो सामने बंदा है ना उसको मैं मार देता हूँ, रुक जाओ, नाइफ है ना मेरे पास, रुक जाओ, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा पहले, इधर आप तेरी ऐसे निकल यहाँ से, और वो बंदा है, ओ एक मिनट सर दो मिनट रुक जाओ, ये जाने वाला है, कोई नहीं, आप हमको फेंकना पड़ेगा, आवाज़ आई है उसे, वो आने वाला है गाइस अभी अंदर से चेक करने के लिए, मुझे इतनी देर में नाइफ उठाकर लाना चाहिए और सीधा इसके मत्थे पे बजा देना चाहिए। चल नाइफ दे ओके, वो अंदर, ओ भाई दो गार्ड हैं, आया चेक करने तो आया, एक और साउंड करना पड़ेगा, फ्यूज सेल से साउंड, इलेक्ट्रॉनिक की हैकर, पता नहीं इससे तो काम नहीं होगा, बट हाँ रेंच के थ्रू मैं साउंड कर सकता हूँ। तो अगला साउंड हम लोग ना यहाँ पर करते हैं, एंड अभी वो इस जगह को भी देखने के लिए आने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर आवाज़ कैसे आई, और अब हम लोग इसका खेल खत्म करेंगे अपने नाइफ से या फिर अपनी पिस्टल भी, मैं इसको मार सकता हूँ पिस्टल में। ओ दूसरा गार्ड आ गया यार, शिट, यहाँ पर एक अलग गार्ड की ड्यूटी लगी और गड़बड़ हो गई भाई, ये अंदर तो आया, इसने रेंच तो देखा ही, और साथ ही जिस बंदे को हमने मारा था ना, इसने उसकी बॉडी भी देख ली है, ये भी आगे जाने वाला है और हम इसका खेल खत्म करने वाले हैं। चल तेरी, तेरे को साले रेंच, तू आया क्या करने यहाँ पर, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, वो सामने खड़ा हुआ है, हेलो एक सेकेंड, इसको अंदर बुलाना है गाइस, इसी को तो बुलाना है, फ्यूज सेल फेंको क्या, नहीं फेंक नहीं सकते इसे यार, कुछ तो करना पड़ेगा, ये भी नहीं फेंक सकते, ब्रिक के थ्रू मैं थोड़ा सा साउंड मेक कर सकता हूँ, बट गाइस लेट हो गए बहुत ज़्यादा, वो हमारे हाथ से निकल गया यार, क्या ही लकी बंदा था वो भाई, आगे जा चुका है वो नहीं, उसको आवाज़ आई है, वो हम लकी हैं गाइस, उसको आवाज़ चली गई ब्रिक की, उसे ईंट गिरने की आवाज़ आई है, और यही सही मौका है इसको मारने का। अब बस दिक्कत की बात यह है कि कोई और हमें देख ना ले, तेरी भैंस के साथ बहुत हो गया तेरा, चल बॉडी उठाओ इसके अंदर ले चलो, भाई साहब बहुत सही टाइम पर मैंने इसे मारा है, और अभी बस कोई हमें देखे ना, यहाँ पर वैसे कोई नहीं है, तो ओ देख ली एक लड़की ने इसकी बॉडी देख ली, शिट यार ये क्या हो गया, नहीं इसको मारना पड़ेगा सर, मैं एक सेकेंड, रुको मैम जल्दी बस, रास्ता खाली है ना यार, इसकी बॉडी मैं खींचूंगा तो सब देख लेंगे, बट जरूरी नहीं है, आराम से ले जाते हैं भाई, इसको मारना पड़ गया, लड़की ने ना मेरे को उसकी बॉडी अंदर ले जाते हुए देख लिया था, अब बस यहाँ पर कोई और ना आए, मैं सारा काम चुपचाप से कर दूंगा भाई, ये गन वन ना मेरे को सारी यहाँ से हटानी पड़ेगी, सबकी बॉडी एक एक करके ठिकाने लगानी है यार, ये यही सही होता है भाई, जितने कम बंदों को मारो उतना काम आसान हो। फिलहाल अंदर रास्ता खाली है ना, ओ वाओ क्या प्यारा रूम है भाई, इसके अंदर तो 50-60 बॉडी ठिकाने लगा दूंगा मैं। चलो पहली एक गई है लड़की की, अभी लाते हैं अपने एजेंट डेवनपॉट को, डेवनपॉट का पहले ना डेवनपॉट की मैं गन उठा लेता हूँ भाई, इसकी गन अगर किसी ने देख ली ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, सारा सामान मैं उठा लेता हूँ, कॉइन वॉइन सब थे इस पर। चलो बेटा, ओ वो बंदा आया, अच्छा वो उसने मेरे हाथ में गन नहीं देखी, वो चला गया यहाँ पर आकर, भाई साहब उसको लग रहा था यहाँ कुछ, भाई इसमें ना बंदे ध्यान बहुत रखते हैं, आवाज़ कहाँ से आई, ये कैसे हुआ, बट कोई नहीं, ध्यान अपना भी फुल है, दो बंदों की बॉडी और ठिकाने लगानी है, कोई देखे ना तो बढ़िया रहेगा। सामने एक बंद, इसको भी हमारे ऊपर शक है शायद, यार मेरे को कपड़े बदलने पड़ेंगे, अगर मैं कपड़े बदलूंगा तो गेम अपना आसान हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, मैं बिना कपड़े बदले खेलना चाहता हूँ,
ताकि हमें एकदम मुश्किल से मुश्किल काम करना पड़े। फिलहाल ये जो लेडी है ना सामने की तरफ में, इससे मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है। ये लेडी नहीं, इस बंदे से मेरे को डर लग रहा है। कॉइन ड्रॉप करके इसको अंदर बुलाता हूँ और इसका भी अभी खेल खत्म करता हूँ। अंदर आवे भाई साहब, बनियान में घूम रहा है एक पार्टी में। आने दो आने दो, इसको अंदर आने दो, छुप जाता हूँ मैं। आ जा बेटा अंदर आ जा, गेट बंद करो। हाँ क्या बोल रहा था, तेरी भैंस की ना। ओ तेरी, मेरा निशाना क्या हुआ? बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, बाहर। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है तू। इसको भी गाइस जल्दी से ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसको हमारे ऊपर शक था हल्का सा, यही झांक कर गया था कि अंदर ये हो क्या रहा है आखिरकार, बट इसने इग्नोर मार दिया, पता नहीं क्या है। बट फिर भी इसे मारना पड़ा ताकि आगे किसी को शक ना हो। अभी गाइस जिन जिन बंदों को मैंने मारा है ना, उनकी बॉडी ठिकाने लगाता हूँ यार। वैसे गाइस देखो, अभी ना फिलहाल बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ना अंदर जगह भी नहीं है। मैं काम करता हूँ, इस रूम में इनकी बॉडी रखते जाता हूँ। तो गाइस यार देखो, इस साइड में भी ना एक रास्ता है, तो जहां तक मुझे लग रहा है इधर कोई ना कोई बॉक्स है, तो यहाँ पर एक बॉक्स है। तो एक काम करते हैं, इस वाले बॉक्स के अंदर इसकी बॉडी ठिकाने लगा देते हैं, लेट्स गो। तो एक बंदे की बॉडी में उधर और रखा जाता है, उसकी भी बॉडी लेकर आनी पड़ेगी। मतलब यार बॉडी छुपाना ना बहुत जरूरी होता है, वरना अगर कोई देख लेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने 5 बंदे मार दिए भाई बे, मतलब कोई नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग इसकी भी बॉडी ठिकाने लगा देते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने ऑलमोस्ट जितने बंदों को मारा था उन सभी की बॉडी ठिकाने लगा दिया है। 2 बंदों को मैंने इस बॉक्स में डाल दिया, 2 बंदों को पीछे वाले बॉक्स में डाला है। बट यार ये जो बंदा है ना, इसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, मेरे हिसाब से कोई भी देखेगा नहीं। फिलहाल यहाँ पर ना एक पॉइजन पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं, पहले जरूरत थी बट अभी छोड़ो यार, अभी किसी काम नहीं आने वाला। यहाँ से हम लोग फुल स्पीड में बाहर निकलते हैं, चलते हैं आगे। ये ट्रेसपासिंग एरिया है, अगर कोई देखेगा तो गड़बड़ हो सकती है। बट भाई साहब यहाँ पर तो ये बंदे अपना फुल सिगरेट पीने में मस्त है, तो हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे से ही चलते हैं जिस रास्ते से आए थे। ओह एक सेकेंड, चुपचाप चुपचाप, वो भी देख लेता भाई मेरे को। यहाँ से नहीं बाहर निकलूंगा, जिस रास्ते से हम लोग अंदर घुसे थे वहीं से बाहर निकलते हैं। अभी मेरे को और ICA एजेंट्स को ढूंढना है। और सर सर सर, आप तो वहाँ भी मिले थे ना, ये बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ? बुड्ढा मरेगा मेरे यहाँ से। भाई जब मैं उस जगह पर खड़ा था ना, तब भी आकर बोलने लग गया मेरे को कि यहाँ पर क्यों छुप रहे हो तुम। अब यहाँ पर आकर चेप हो गया, पता नहीं यार क्या ही सीन है। ओके तो ये एक रास्ता है, तो शायद से नहीं, ये तो वही वाला गेट है जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं। नीचे की तरफ में पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर भी होगा गार्ड, बट उस पार्टी तक मैं कैसे पहुँचूंगा मेरे को ये नहीं पता ना। ओके तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी से ना यहाँ से नीचे चलते हैं और चलकर देखते हैं आखिरकार पार्टी कहाँ पर चल रही है, और ICA एजेंट्स को ढूंढना है और खेल खत्म करना है। तो इन सबको मैं गिरा सकता हूँ अगर कोई यहाँ पर होने से, इन दोनों को मारना हो बहुत ईजिली मैंने मार दूंगा। ओके लेट्स गो। भाई साउंड क्या आ रहा है? ओ भाई 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 भाई, मस्त पार्टी चल रही है। मैं नंगा नाच कर रहा है तो यहाँ पे खड़े होके चप्पल तो डाल लेना कम से कम। ओ भाई क्या ही पार्टी चल रही है नीचे, मीन्स ये पार्टी नहीं है, इधर शायद से कोई DJ शो चल रहा है। भाई गलत बीट्स बज रही है इधर, तो एकदम मस्त सीन है। अब बस मुझे और एजेंट्स को ढूंढना है, वो कैसे वो मेरे को देखना पड़ेगा। और इसको देखो भाई कैसे नाच रहा है, अलग ही बंदा है भाई साहब। चलो कोई नहीं, हम अपना काम पे ध्यान देते हैं, हम नाचने वाचने नहीं आए यहाँ पर, नीचे चलते हैं। और वैसे ना गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने एक चीज नोटिस करी है कि कुछ कुछ एरिया है जो कि स्टाफ मेंबर्स के लिए है, कुछ एरिया सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, और कुछ एरिया टेक टीम के बंदों के लिए है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना टेक ओनली। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल सामने मेरे को एक और ICA एजेंट मिल गया है। वो देखो, वो ब्लूटूथ पे कमांड दे रहा है कि अभी तक हमें यहाँ पर कोई मिला नहीं है, रास्ता क्लियर है। चलो कोई नहीं बेटा, अब मिलेगा ना कोई ना कोई। अभी फिलहाल वो ऊपर आ रहा है। और नहीं 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 भाई भाई भाई, अपना अगला टारगेट अपने पास आ रहा है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके पास जाएंगे, ये हमारे पास नहीं आना चाहिए। अभी फिलहाल अंदर की तरफ में एक बंदा और खड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है कि ICA एजेंट हो। और फिलहाल वो यार वो तो सीधा यहीं आ रहा है, रुक जाओ नहीं नहीं, मेरे को यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो अगर इस तरफ में आ गया ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गलत वाले। मैं इस झुंड के बीच में खड़े हो जाता हूँ ताकि वो मेरे को देख ना पाए। ओके तो फाइनली गाइस देखो, वो ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका है। सही जगह ढूंढ के, सही तरीका ढूंढ के मुझे इसे मारना है ताकि कोई भी मेरे को नोटिस ना करे। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग ना यहाँ से आगे चलते हैं, लेट्स गो। वो आगे की तरफ में गया ना, ओके वो यहाँ पर, ओ मेरे को नीचे बैठना पड़ेगा। वो भी ICA एजेंट है क्या? लग तो रहा है, नहीं नहीं पता नहीं, वो किसी बंदे से बात कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, और शायद से वो बंदा भी ICA एजेंट ही है। तो मेरे पास ना बहुत सही आइडिया, अभी मैं सीधा नीचे जाकर इस झुंडे में मस्त जाता हूँ। और यहाँ पर एक बंदा और खड़ा हुआ है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस ये भी ICA एजेंट हो सकता है। मैं सीधा इस पार्टी में घुस जाता हूँ, कोई भी मेरे को पहचान नहीं पाएगा। और भाई वो शक कर रहा है मेरे पे। ये गाइस ये जो बंदा है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, साउंड नहीं करना यहाँ, साउंड नहीं करना, घुस जाओ। भीड़ में घुस जाता हूँ, कोई कुछ नहीं पहचानेगा। मैं डांस कर सकता हूँ यहाँ पे, यार डांस वांस तो है। ओ भाई DJ वाले को देखो, क्या ही कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल सबसे आगे जाकर खड़े होते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ है और मुझे नहीं लगता वहां पर हमें कोई देख भी पाएगा। हटो बैठो, जगह बनाने दो। ओ
ये देखो गाइस, मेरे को ना इसी बंदे के ऊपर शक हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये भी शायद से आईसीए एजेंट है और इसने ब्लूटूथ पे कमांड दी, यानी कि ये भी आईसीए एजेंट है। और अभी फिलहाल हमें यहाँ पर दो मिल चुके हैं, एक ये रहा और एक ऊपर वाले फ्लोर पर जो था वो अलग है। तो दो एजेंट हमें मिल चुके हैं, लेट्स गो, अब आने वाला है असली मजा। यहाँ पर हमें भी डांस करना है। ओ भाई भाई भाई, स्मोक स्मोक सब निकल रहा है भाई, अच्छे में मस्त है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल बहुत देर डीजे वीजे सुन लिया है, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग ना इस वाले रूम के अंदर चलते हैं जहाँ पर अपना टारगेट यानी वो आईसीए एजेंट गया था। और अंदर जाने के लिए ना गाइस, शायद से मुझे यहाँ पर की कार्ड लगाना पड़ेगा। मेरे पास की कार्ड तो नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक की हैकर जरूर है जिसके थ्रू मैं ये वाला गेट खोल सकता हूँ। और शायद से गाइस, जो अपना टारगेट है वो एजेंट इस रूम से बाहर आ रहा है। और भाई सही टाइम पर मैं वहां से हट गया, वरना अभी बहुत बड़ी गड़बड़ जाती। मैं उस गेट को हैक कर रहा होता और वो गेट खोल के निकल जाता। यार देखो, यहां से जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अंदर की तरफ में भी दो तीन बंदे बैठे हैं। इस तरफ में एक टेक वालों का रूम है, मतलब यहाँ पर सिर्फ टेक वाले बंदों का ही एक्सेस है, बट इधर की तरफ में मैं आ चुका हूँ। अगर यहाँ से कोई ना कोई ओके, ओ भाई इस तरफ में देखो गाइस एक गेट है, इसके थ्रू मैं उस पार जा सकता हूँ। बट यहाँ पर ना शायद से कोई कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर आगे ना एक बंदा है, अगर मैं इसकी ड्रेस पहन लूंगा ना तो मेरे को इधर का एक्सेस मिल जाएगा, मुझे इधर कोई भी कुछ कहने नहीं वाला है। यहाँ पर एक रेंच मिला है, रेंच के थ्रू मैं इधर साउंड करता हूँ, कोई ना कोई तो इस साउंड की, ओ सुना सुना सुना, उन लोगों ने आवाज़ सुनी है, देखते हैं कौन यहाँ पर आता है। अपने हाथ में मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है ना, ये नाइफ निकाल लेता हूँ। ओ आया आया, बंदा आया चेक करने। थ्री टू, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी गड़बड़ होगी। मुंह बंद करके इसका मारेंगे। तेरी मैसेज निकल यहाँ से, किसी ने देखा तो नहीं, बहुत सही, अच्छी बात है किसी ने नहीं देखा। इसकी बॉडी ठिकाने लगानी है, इसके कपड़े पहनने हैं, सारा काम ठीक हो जाएगा। कोई आ तो नहीं रहा ना। ओ भाई अपना जो दूसरा टारगेट है ना गाइस, वो भी यहीं कहीं पर घूम रहा है। ओके, इसकी बॉडी मैंने ठिकाने लगा दिया, चाकू अंदर करते हैं, डीजे वाले कपड़े पहन लेते हैं गाइस। और अभी हम लोग भी शायद से डीजे पे जा सकते हैं ना, पहले चेक कर लेता हूँ। ये पहली बार है जो मैंने मतलब अभी इस वाले मिशन में कपड़े बदले हैं। हेलो गाइस, मैं टेक टीम वाले, मेरे कुछ नहीं खाने, चाबी चाहिए थी मैम, खा लूँ ना चाबी। ओके सॉरी, अंदर चलते गाइस। ओ भाई हम लोग सीधा डीजे पे ही आ गए। ओके मैं इस वाले बंदे को कैसे हटाऊं, मेरे खुद डीजे बजाने का मन है। अच्छा शायद से ना गाइस, मैं इसको बोल सकता हूँ कि तुम दो मिनट के लिए हट जाओ, मेरे को बजाने दो। और अभी फिलहाल ये हट चुका है और गाइस अब मैं बजाने वाला हूँ डीजे। ओ भाई भाई भाई, ये क्या है, हाई पप लाइट शो। ओके हम लोग डीजे की लाइट भी चेंज कर सकते हैं क्या? ओ भाई भाई भाई, इससे क्या होगा, इसे ट्रिगर क्लाइमैक्स लाइट शो। ओ भाई भाई भाई, एजेंट 47 गाइस डीजे बजाता हुआ। ओ भाई सारे बंदे पागल हो गए भाई, क्या ही डीजे बजा दिया। इतनी देर तक नॉर्मली डांस कर रहे थे, बट अभी देखो कितने ज़्यादा खुश हो गए। क्या वे क्या नकली डीजे है तू, सीख कुछ एजेंट 47 से। चलो यार फिलहाल यहाँ पर तो बहुत टाइम पास कर लिया, अपने मिशन पर चलते हैं। ये क्या है, यहाँ पर कुछ था, ये अपने काम आएगा क्या? एक सेकेंड, अब मैं ट्राई करता हूँ। ओके अबे यार टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर सही में। नाचो बे, नहीं नाचोगे, लो ये वाली लाइट लो। ओ भाई भाई बीट आने वाली है, एक और बीट सुनते हैं फिर चलते हैं अपना टारगेट कम्प्लीट करने। भाई बंदे भी कहेंगे एजेंट 47 को क्या काम करने के लिए भेजा था, तो वहाँ जाके डीजे बजा के बंदे भाई सामने देखो कैसे नाच रहे हैं सारे। चलो भाई चलो, बहुत नाच रहे हैं, मेरे को यहाँ से निकलने दो अपने काम पे। यहाँ कुछ है क्या काम का अपना? नहीं इधर कुछ भी नहीं है। इस तरफ में हमने पूरा का पूरा एरिया चेक कर लिया है, यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूँगा, ओ भाई देखो सही में मैं उस साइड जा सकता हूँ। इस तरफ में कुछ अलग सिक्योरिटी है सर। मैं भाई बहुत बड़ा डीजे वाला हूँ यार, मेरी वजह से पूरा शो चल रहा है आपका। यार ये मना कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड आगे जाने से, ठीक है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर क्या है? अच्छा ये तो सारा यार टेक टीम के लिए है, तो यहाँ पर अपना कोई भी काम है नहीं। एक काम करता हूँ, जो उस तरफ में गेट है ना गाइस, वहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, शायद से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगेगा। फिलहाल इस तरफ में टर्न ऑन रैक केस नहीं यार, इसका कोई यूज नहीं है। ये वाला गेट ओपन करते हैं और शायद से ना गाइस इसको हैक कर कर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग उसी रूम में पहुंचने वाले हैं जहाँ पर अपना टारगेट आया हुआ है। अभी भी वो वहीं पर है। ओके तो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, इस कैमरे को मेरे को डिसेबल करना पड़ेगा। एक्चुअली मतलब डिसेबल तो नहीं होगा, बट इसको हम लोग डिफ्यूज जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फायर करा है, सामने की तरफ में दो गार्ड थे वो आगे जा चुके हैं, अपना टारगेट भी इसी तरफ में घूम रहा है। यहाँ पर दो बंदे हैं यार, मेरे को ना सबको मारना पड़ेगा, पता है सीन कुछ ऐसा है, सबको मारना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इनकी बॉडी ठिकाने लगा पाऊंगा या नहीं। इस तरफ में गेट खोलते हैं, यहाँ पर अच्छा ड्रेस है बट बॉडी ठिकाने नहीं लगेगी। ये वाला गेट, ओह ये तो अलग ही जगह। ओ वाओ गाइस, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं इन लोग का बॉडी ठिकाने लगा सकता हूँ। ये कैसी सी जगह पर आ गया भाई, मैं बैक साइड पे। ओके ठीक है, तो यहाँ पर गाइस कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ हो जाएगा। हाँ अपना टारगेट अभी दूर गया हुआ है, तो इन दोनों बंदों को मार के ना जब तक मैं बॉडी ठिकाने लगा देता हूँ इनकी,
ताकि अगर अपना टारगेट यहाँ पर वापस आए तब तक मैं इन सबको साफ कर दूँ जल्दी जल्दी जल्दी। इन सब की बॉडी मेरे को ठिकाने लगानी है, अपना टारगेट यहाँ पर वापस ना आ पाए बस। तो भी जल्दी से गाइज मैं ये वाला गेट खोलता हूँ, यहाँ की तरफ में जो बॉक्स है इसके अंदर बॉडी डाल देते हैं इनकी। लेट्स गो 3, 2, 1। इसके अंदर वाले बॉक्स में मैंने बॉडी डाल दी। उस तरफ में ना गाइज वो टारगेट आ तो नहीं रहा भाई, वो आने वाला है। मेरे को इसकी जल्दी से बॉडी ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये वाला गेट बंद कर देता हूँ, हो जाएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है। लेट्स गो, वो आ रहा है वैसे पता है, देखो वो उस तरफ में ही है। नहीं वो उल्टा जा रहा है यार, घूम कर आएगा तो टाइम लग जाएगा, बीच क्राउड में से आता तो टाइम नहीं लगता। ओके सब कुछ एकदम मामला डन है और फटाफट से गाइस इसको भी इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और लो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड की भी बॉडी का ठिकाना लगा दिया है। और मेरे पास ना भी एक बहुत मस्त आइडिया है, तो यहाँ पर देखो ये जो स्विच है ना, इसके अगर हम लोग वायर इस जगह पर फेंक देंगे और यहाँ पर ये देखो अभी मैंने ना इसकी वायर सॉरी कट कर दिया है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर एक ये वाटर टैंक है, जब मतलब कि ये वाटर बॉटल है एक टाइप से। और गाइस अभी ना फिलहाल सामने से एक अलग सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, मैं तो दूसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर आने का वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था जब वो यहाँ पर आएगा उसको हम लोग मार देंगे, बट ये दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड जो ऊपर वाले फ्लोर पर घूम रहा था ना वो नीचे आ चुका है। और अभी ना मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है, हम लोग ना यहाँ पर ना ओके मैं इस पे पानी में गोली मार देता हूँ। और अभी उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, वो देखो उसकी गाइस करंट लग गया बहुत गलत वाला, तेरी भैंस निकल यहाँ से। दोनों को मैंने मार दिया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये पानी को पहले बंद हो जाने देते हैं वरना हमारे भी करंट लग सकता है। लेट्स गो। ओके यहाँ पर और बंदे आ रहे हैं, भाई 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 गड़बड़ कर दी मैंने। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, मेरे को ना इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरे पास एक कैन है, वो कैन मैं वहां फेंकता हूँ। इन दोनों का ध्यान उसका ध्यान उस तरफ में गया है, फटाफट से ना गाइस मैं इसके पीछे से यहाँ से निकल लेता हूँ। भाई किसी को पता नहीं चला किसने करा है, बट उनको ये पता चल गया है कि यहाँ पर बंदे मारे गए हैं बहुत गलत तरीके से। अभी फिलहाल अपने हाथ में ना गाइस मैं सप्रेस्ड SMG, वैसे सप्रेस्ड वाली नहीं है, चाकू ले लेता हूँ वही बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे गाइस हम लोग ना यहाँ से ऊपर चलते हैं। और गाइस देखो हमें ना जो अपने एजेंट को मारना था ना वो खुद ही चलकर हमारे पास आ गए और उनको मैंने लपेट दिया। मतलब मेरे को पता था सिक्योरिटी रूम में आना है, बट मेरे को पता नहीं था वो जो ऊपर वाला गार्ड है वो भी नीचे आएगा। और अभी फिलहाल ये मैं कहां पर आ गया भाई, इस वाले रूम में तो ओहो भाई कैसी कैसी जगह है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं थी। ओके तो ये अच्छा ये बैक साइड है, ये टॉप फ्लोर भाई साहब क्या ही बना रखा है ये। ओके अभी फिलहाल किसी ने हमें देखा नहीं है, जल्दी से हम लोग पहले छत पे पहुंचते हैं और फटाफट गाइस हमें ना यहां से अभी बाहर निकलना पड़ेगा। अबे कितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है, मैं सीढ़ियां चढ़े जा रहा हूं भाई, ये भी कहीं बुर्ज खलीफा तो नहीं है दुबई वाली। ओके तो फाइनली गाइस हम लोग छत पर पहुंच चुके हैं, सामने की तरफ में एक बंदा है, इसको बेचारे को मुझे मारना पड़ेगा। सर 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेज नहीं लगेगी टेंशन मत करो। ओके सामने एक और बंदा है, उसने मेरे को देख लिया है। स्क्रू ड्राइवर कब काम आएगा, रुक जा तेरी भैंस के ना, तू भी निकल यहाँ से। ओके अभी जाने के लिए यार इन बंदों को मारना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है, ओ भाई ओ तेरी भाई साहब, आप लोग को याद होगा गाइस ये वही एरिया जहाँ पर वो बंदा अपनी कॉफी पीने के लिए आ रहा था। तो अगर वो इधर से पार होता, अगर हम छत पे होते ना तो हम लोग उसके सिर पे ईंट गिरा के मार सकते थे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने जिस तरीके से मारा वो भी बहुत सही था। अभी फिलहाल एक बंदा और बचा हुआ है सामने की तरफ में, इसके रेंच फेंक कर मारते हैं और फटाफट से गाइस यहाँ से अब हम निकल लेते हैं। चल बेटा तू तो बेहोश हो गया, ये है यहाँ की एग्जिट। वैसे मेरे को ना थोड़े अलग रास्ते से यहाँ से, वो देखो वहाँ से मेरे को जाना है जहाँ से मैं आया था, बट अभी मैं नीचे कहाँ से जाऊँगा मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ से मैं लटक सकता हूँ क्या, ओह सामने यार इतने सारे बंदों को मेरे को मारना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ। नहीं मैं ऐसे मारूंगा नहीं, साइड से निकलते हैं भाई, बेमतलब नहीं मारना यार किसी को, जिसकी गलती है उन्हें मारेंगे बस। और मैंने उन्हें मार दिया, तो चलो गाइस ये रहा रास्ता। और फाइनली हम लोग यहाँ पर नीचे आ चुके, ओह नहीं 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 भाई ये भी मेरे को देख लेती, बहुत ज़्यादा गलत जगह पर खड़ी हो रखी है वो। कोई नहीं जाते जाते उसको भी हम लोग निपटा देंगे, थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है इसको मारना, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अबे नहीं इसको क्यों ही मार रहा हूँ मैं, चुपचाप पीछे से निकल लेते, किसी को ज़्यादा मारने उड़ने की जरूरत नहीं है। और लेट्स गो गाइस, चुपचाप से हम लोग फाइनली एग्जिट तक पहुंच चुके हैं। भाई ये लोग भी सोच रहे होंगे भाई एजेंट 47 क्या आइटम है, कहीं से भी आया कहीं से भी मार के चला गया इतने सारे उनके ICA एजेंट्स को। चलो कोई नहीं, और ये क्या है पता नहीं, किसी की साइकिल में सिक्के पड़े हुए थे 2-3 रुपए के, वो मैंने उठा लिए। ठीक है ओके गाइस फाइनली हम लोग एग्जिट पर पहुंच चुके हैं, बस एक बार ही मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद थोड़ी खुशी मना लेंगे। ओके गाइस फाइनली अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है, जो ICA एजेंट्स पकड़ने के लिए आए थे हमें उनको हमने निपटा दिया। और अभी देखते हैं ओलिविया का क्या सीन है। और अभी यहां पर एजेंट 47 ने ओलिविया को कॉल कर दिया है। ओके तो वो कह रहे कि ना वो डाइनर पे ही है मेन रोड पर, तुम सीधा आ जाओ।
तो भी देखते हैं एजेंट 47। ओके तो मिशन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 4 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और हाँ यार, मुझे ना कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आपको एजेंट 47 की स्टोरी कैसे लग रही है। मतलब कि जो मेन हमें लीड करती थी लड़की, उसके भी पेरेंट्स को एजेंट 47 ने मारा था। और अभी एजेंट 47 को ये बात नहीं पता है कि डायना को ये पता चल चुका है कि हम ही उसके पेरेंट्स के किलर है। शायद से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो भी बहुत गलत सीन होने वाला है, मतलब कि हो सकता है डायना हमें भी मरवा दे। पता नहीं यार क्या होगा, जो भी है बहुत खतरनाक है। तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। और हाँ यार, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट चैनल जल्दी सब्सक्राइब करें, दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो यार 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, जल्दी से जाकर फॉलो का बटन दबा दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, टॉक शो करेंगे जल्द ही। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।